आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं आज का जीएस 1 का क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप काफी तरह से कर सकते हैं। जनरली हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बैकग्राउंड से शुरुआत हो जाती है, या फिर ओवरऑल जो भी इवेंट है उसके बारे में बताकर भी शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि काफी तरह से इंट्रोडक्शन की शुरुआत की जा सकती है। मोर और लेस यह आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उस इवेंट से रिलेटेड क्या फैक्ट्स और फिगर्स याद हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ब्रिटिश रूल के फर्स्ट सेंचुरी तक बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी। अगर आपको हिस्टोरियन के नाम याद है तो आप उन्हें यूज करके एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि कैथलीन गॉग, उन्होंने इन रिबेलियंस को रिस्टोरेटिव रिबेलियंस कहा था, क्योंकि वो वहाँ के लोकल रूलर्स या फिर मुगल ऑफिशियल्स या डिस्पोज्ड जमींदार ने शुरू किए थे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो और भी हिस्टोरियन के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इस इवेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि सीए बेलाय, उन्होंने कहा था, द इंडियन रिबेलियन वॉज नॉट वन मूवमेंट, इट वॉज मैनी। मतलब इंडियन रिबेलियन एक नहीं था बल्कि बहुत थे। और सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मतलब 1857 को एक इवेंट नहीं माना जाए, एक रिबेलियन ना माना जाए, उसके पहले जो भी रिबेलियन हुए थे उन्हें भी काउंट किया जाए। बाकी आप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि 1857 से 100 साल पहले तक 40 मेजर रिबेलियन हो चुके थे, और छोटे रिबेलियंस की तो काउंटिंग है ही नहीं। इन सारे रिबेलियंस का कैरेक्टर लोकल था, मतलब रीजनल था। जो मोटिव वो अचीव करना चाहते थे रिबेलियन से, वह लोकली बेस्ड थे, इसलिए उन्हें आइसोलेट करके देखा जाता है, क्योंकि हर रिबेलियन का अपना डिफरेंट मोटिव था। अब आंसर की मेन बॉडी के अंदर आपको रिबेलियंस के बारे में लिस्ट आउट करना है। अब या तो आप सारे रिबेलियंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, पीजेंट्स का आप अलग बता सकते हैं, ट्राइबल्स का अलग बता सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली लिस्ट आउट करना चाहते हैं सारे एक साथ, वह भी कर सकते हैं। पर आपको पता होगा कि आंसर की विजिबिलिटी के लिए क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बात यह है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और आंसर को देखते ही एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कैंडिडेट ने आंसर के अंदर क्या क्या लिखा होगा, मेन डिमांड्स या मेन रिबेलियंस कवर किए हैं या नहीं, यह उसे आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिबेलियंस दैट हैड अकर्ड इन द प्रीसीडिंग 100 ईयर्स की हेडिंग बनाकर रिबेलियंस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। आंसर की प्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए इसको हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। पहला पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट्स, दूसरा ट्राइबल मूवमेंट्स मतलब ट्राइबल अपराइजिंग, और तीसरा मेन फ्रंटायर अपराइजिंग बिफोर 1857। अब इनके अंदर जो भी हमें याद होंगे रिबेलियंस उनके बारे में लिखेंगे। एंड लेट मी टेल यू बिफोर डिस्कसिंग दैट कि सारी चीज़ें और एक्यूरेटली याद रखना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन जो हाथ में है, जो कंट्रोल में है, वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो एक्यूरेट पता हो। अगर नहीं पता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे लिखना, और जब हमें पता है कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर क्या क्या आना है तो हम अपने रियल एग्जाम से जाने से पहले उसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसे अच्छे से जानेंगे, उसे अच्छे से याद करेंगे। ये कुछ चीज़ें हाथ में होती हैं और कैंडिडेट्स अपना ज़्यादा समय उन चीज़ों पर दे देते हैं जो उनके हाथ में नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए पहले कोशिश करिए कि जो आपके कंट्रोल में है उसे ठीक से किया जाए। एटलीस्ट आंसर की मेन बॉडी के अंदर हम शुरू करते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट से शुरू करेंगे। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे मूवमेंट हैं जो पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हुए होंगे। पहला लिख सकते हैं सन्यासी अपराइजिंग। इसको होने का कारण यह था, पिलग्रिम्स को होली प्लेसेस पे जाने से रोका जाता था, रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, तो इसी वजह से सन्यासी ने इंग्लिश फैक्ट्रीज को रेड कर दिया और टाउन से कंट्रीब्यूशन लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अंजाम दिया। अब ये सारा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप सीधे सीधे कॉज और इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं, पर प्रॉब्लम यही आती है कि हर किसी का कॉज या कॉन्सिक्वेंसेस हमें याद नहीं आता है, तो इस तरह से हम शेडो करते हैं। फिर हम बता सकते हैं पागलपंथीज के बारे में। इसके अंदर टीपू जैसे लीडर्स ने यह रिबेलियन लीड किया था, उनके कॉजेस रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिव्स ही थे। बेसिकली जमींदार्स के अंदर काम कर रहे टेनेंट्स के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई।
फिर हम बात करते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। यह एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जिसका मकसद था कि मुस्लिम सोसाइटी को प्यूरिफाई करना, मतलब जितनी भी अन इस्लामिक वैल्यूज और प्रैक्टिसेस इस सोसाइटी के अंदर आ गई थी उन्हें एलिमिनेट करना और इस्लाम को उसके एक्चुअल फॉर्म में एस्टेब्लिश करना। फिर फराइजी रिवोल्ट अगेन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ टेनेंट्स के लिए था और उन्होंने सपोर्ट भी किया। कुकर रिवोल्ट, शुरुआत में इस रिवोल्ट के अंदर रिलीजियस मोटिव था फॉर प्यूरिफिकेशन इन सिखिज्म, पर जैसे ही राम सिंह जैसे लीडर के अंडर मूवमेंट आया तो रिबेलियन का मोटिव थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, मतलब पंजाब के अंदर से जो भी फॉरेन पावर्स हैं उन्हें हटाना और पंजाब के अंदर सिख रूल को रीस्टोर करना। तो यहाँ तक हमने बात करी पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट की, अब बात कर सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में। अच्छा, आगे जाने से पहले एक बात कि यहाँ पर जितने भी मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, जितने भी रिबेलियंस के बारे में बताया गया है, वो एक्सप्लेनेटरी पर्पस से है। आंसर के अंदर हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ओके, तो ट्राइबल मूवमेंट के अंदर संथाल रिबेलियन वेरी फेमस। यह बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट के खिलाफ था क्योंकि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। फिर बहुत सारे हैवी टैक्सेस, मनी लेंडर्स का ऑपरेशन, लैंडलॉर्ड्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, बहुत सारे रीजन थे इस रिबेलियन के, इसलिए उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर बहुत बड़े लेवल पर रिबेल किया। फिर कोंड अपराइजिंग, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, 1837 और 1856 के बीच में यह रिबेलियन हुआ था। मेन कॉज यही था कि ब्रिटिश कुछ ऐसे रिचुअल्स को रोकना चाहते थे, सप्रेस करना चाहते थे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एंड देन ब्रिटिश ने नए टैक्सेस लगाए और जमींदार्स का भी इन्फ्लक्स हुआ, मतलब जमींदार्स और आए। इस सब की वजह से ट्राइबल्स को बहुत परेशानी हो रही थी और फिर आखिर में उन्होंने रिबेल किया। फिर बात करते हैं अर्ली मुंडा अपराइजिंग की। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भी कई बार लैंडलॉर्ड्स, दिखूज, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश के खिलाफ रिबेल किया था। दिखूज मतलब फॉरेनर्स। अपने लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मेन फ्रंटायर अपराइजिंग बिफोर 1857। इसके अंदर काशी अपराइजिंग के बारे में बात कर सकते हैं। काशी अपराइजिंग बेसिकली एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी ब्रिटिश के द्वारा जिसके खिलाफ काशी के लोग थे। उन्हीं में से एक टिरोट सिंह, उसने ब्रिटिश गैरिसन में अटैक किया और काशी किंग के ऑर्डर्स को डिसओबे किया। यह रिबेल काफी सालों तक चला और फाइनली 1833 में सप्रेस हो गया। कोशिश करिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह तो अपने आप याद हो जाते हैं रिवीजन करने से। नेक्स्ट, होम रिवॉल्ट। इसके अंदर हुआ क्या था, बर्मा वॉर हो रहा था तब ब्रिटिश ने आसाम में रह रहे लोगों को बोला कि जब तक वॉर हो रहा है तब तक हम यहाँ पर हैं और फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अपनी बात से मुकरते हुए ब्रिटिश ने इस टेरिटरी को भी अपने अंडर लेने की कोशिश करी जिसकी वजह से यह रिवॉल्ट हुआ। इसके अंदर गोमधर कोनवर की लीडरशिप को देखा जाता है, पार्डन माई प्रोनाउंसिएशन प्लीज, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट सिंगपूज रिबेलियन। जब ब्रिटिश खासीज को हरास करने में एंगेज थे तभी यह रिबेलियन, सिंगपूज रिबेलियन 1830s के अंदर हुआ और विद इन 3 मंथ इसको सप्रेस कर दिया। लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंट, उन्होंने दोबारा रिबेलियन के लिए खड़े हुए 1839 के अंदर और उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मार गिराया। इस तरह आंसर की मेन बॉडी कंप्लीट होती है और आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी के अंदर मेन जो स्टैटिक पोर्शन है वो जितना भी है उसे अच्छे से करना चाहिए। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ टॉपिक लाइक दीज, इसलिए वी शुड मेक श्योर जितना भी हमें पता हो उतना अच्छे से पता हो। आगे आंसर को कंक्लूड करते हैं। इन सारे रिवॉल्ट्स को देखकर यह पता चल जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब कॉलोनियल रूल था, तब भी बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी, डिस्टर्बेंसेस थे। इन सेंचुरी लॉन्ग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पॉलिटिकल सब्जुगेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को लाना, फिर रिलीजियस इंटरफेरेंस करना, यह सब सारे कल्मिनेट हो गए और फाइनली हमें 1857 के रिवोल्ट में दिखते हैं। और 1857 के अंदर हर वो लीडर जो अपने लोकल रिबेलियन के अंदर अपनी आवाज़ उठाया था और उसकी आवाज़ को दबा दिया गया था, उसने अपना डिसकंटेंट 1857 के अंदर दिखाया। और इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का हर सेशन बहुत जरूरी होता है कंट्री के गवर्नेंस के लिए, इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि जो भी सेशन हो उसके डेट्स, उसके शेड्यूल सब कुछ एडवांस में प्लान्ड हो। लेकिन जिस तरह से हमें पार्लियामेंट में डिसरप्शन दिखाई देता है, लोग बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट करते हैं, इनडिसिप्लिन दिखाई देता है, चेयर्स फेंकते हैं, लो अटेंडेंस होती है और इस तरह की चीज़ें होना एक आइडियल सिचुएशन से
काफी दूर दिखाई पड़ती है। इसलिए यस वी एग्री कि जब तक पार्लियामेंट का कैलेंडर प्लान नहीं होता, बिजनेस को पहले से एडवांस में शेड्यूल नहीं किया जाता, तो वो पार्लियामेंट की क्वालिटी ऑफ डिबेट में इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला, पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर कौन सा एमपी पार्टिसिपेट करेगा, ये पहले से एडवांस में डिसाइड नहीं होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे पहले से नहीं डिसाइड करती है, जिसकी वजह से होता यह है कि एमपी को टाइम नहीं मिलता अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का। और बहुत बार ऐसा होता है कि एमपी को कुछ ही घंटे मिलते हैं लॉ के ऊपर जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं उनको परफेक्ट करने का। और फिर आपको पता है कि एक लीनियंटली डिस्कस्ड लॉ अगर पास हो जाएगा तो पूरी कंट्री के अंदर इम्पैक्ट करेगा। इन्हीं डिबेट से पार्लियामेंट का इंटेंट पता चलता है कि वो किस मंशा से इन पार्लियामेंट के लॉज को बना रहे हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड इशू जुडिशरी पे जाता है तो जुडिशरी भी इन डिबेट्स के ऊपर रिलाय करती है लॉ को समझने का और उसके ऊपर किसी भी तरह का डिसीजन लेने का। हमें एक और इशू दिखाई पड़ता है कि रीसेंट में जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल को लास्ट मिनट में प्रपोज करती हैं। इस तरह की एक्टिविटी यह शो करती है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और सिर्फ एक रबर स्टैंप लगाने वाला काम है, जबकि होना यह चाहिए कि पार्लियामेंट डेलिब्रेटिव इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे, सभी तरह के लॉ को पास होने से पहले उन्हें स्क्रूटिनाइज करे। इसलिए जब तक इनके लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं बनाया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूल नहीं किया जाएगा, तो इस तरह पार्लियामेंट में हो रही डिबेट्स की क्वालिटी कम हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट के अंदर प्लानिंग नहीं होगी अगर उसके अंदर शेड्यूल इस तरह नहीं किया जाएगा प्रॉपर प्लान, तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कोई भी पॉलिसी जब पास हो जाएगी तो उसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल के बारे में काफी अनसर्टेनिटी थी कि वो पार्लियामेंट में कब पास होगा और कब इम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन वाला बिल भी बहुत टाइम तक दोनों हाउसेस के अंदर स्टक था। तो इस तरह से शेड्यूलिंग का ना होना इम्पैक्ट करता है। अब इसके रिगार्डिंग इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। यूके में पार्लियामेंट के सिटिंग डेज को साल के शुरुआत में ही फिक्स्ड किया कर दिया जाता है और पार्लियामेंट पूरे साल मिलती है और उन डेट्स को छोड़ दिया जाता है जो हॉलीडेज के होते हैं। अदरवाइज इसके अलावा वो पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम कम्प्लीटली अपोजिट है। इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ स्पेसिफाइड डेट्स पर मिलते हैं और बाकी टाइम पर रिसेस पे रहते हैं, मतलब छुट्टी पर। दूसरा पॉइंट यह है कि यूके में लेजिस्लेचर के मिलने के जो भी नंबर ऑफ डेज हैं उन पर क्लैरिटी होती है। इस तरह की शेड्यूलिंग उन्हें हेल्प करती है कि अपने दूसरे बिजनेसेस को वो टाइमली मैनेज कर सकें। और वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्स को भी अलग से पर्टिकुलर टाइम में शेड्यूल किया जाता है, एक स्लॉट दिया जाता है उन पर डिबेट करने का। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं उस बिल के बारे में, उन्हें एडिक्वेट टाइम मिल जाता है प्रिपेयर होने का, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का। और यही चीज़ इंडिया के अंदर एब्सेंट है। यहाँ पर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, यूके में पार्लियामेंट का स्पीकर जैसे ही नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कैलेंडर तैयार कर देते हैं, प्रॉपर टाइम शेड्यूल कर देते हैं रिसेस का, मीटिंग का, और इनफैक्ट वीक के अंदर वो कितने घंटे मिलेंगे, इन सब के बारे में प्रॉपर शेड्यूलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अपोजिशन को भी काफ़ी टाइम मिलता है, काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है अपने इश्यूज़ को रेज करने के लिए। लेकिन ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है। फाइनली आप कुछ वे फॉरवर्ड देकर इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि MPs को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए जो इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें रेज करने का। फिर कमिटी ऑन एथिक्स को भी एडुकेट अथॉरिटी मिलनी चाहिए जो पार्लियामेंट के बिजनेसेस को प्लान कर सके और कोड ऑफ एथिक्स बनाए जिसकी वजह से सारे MPs उस चीज़ को फॉलो करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस के अंदर जो दिक्कतें आती रहती हैं, डीले होते रहते हैं, और फिर जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही डिबेट्स की क्वालिटी है वो फर्दर खराब होती जाएगी। अगर हमने अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए इस रिगार्डिंग, तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि गवर्नमेंट ऐसे इश्यूज जिनमें वह खुद इनकन्वीनियंट है तो वह उसे डिस्कस करने से अवॉइड नहीं कर पाएगी, और इस तरह से पार्लियामेंट्री वर्क सफ़र नहीं होगा और डिस्कशन करने के लिए एडिक्वेट टाइम मिलेगा। इसको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। बेसिकली वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन दोनों एक साथ मिल गए हैं, पर हम अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग या तो वे फॉरवर्ड लिखेंगे या कंक्लूजन की सिर्फ 2 लाइन, अदरवाइज कंक्लूजन की सिर्फ 3-4 लाइन।
चलिए इस आंसर को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीजें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में, कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।